burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted. तो दोस्तों वहां से लाए हैं अखरोट, इसको भी फाड़ के दिखाते हैं इसके अंदर अखरोट निकलेगा। ये देखो अखरोट, ये देखो दोस्तों इसमें निकला अखरोट। एकदम कड़क और इसमें जड़ भी है, इसको हम उगा भी सकते हैं। अगर उगाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली क्या पता इससे पेड़ उग जाए। हाँ भाई, सुबह सुबह तोड़ रहे हैं पत्ते और थापा का मिला है नींबू और सचिन तोड़ रहा है सुबह सुबह नींबू का। नींबू के सारे रहे थोड़ा, हमारा ये है कि नींबू का पेड़ थोड़ा खराब हो गया तो इसके नींबू सारे तोड़े जा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों और ये है मौसम, आपको दिख ही रहा है कितना मस्त हो रखा है। तो दोस्तों आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे चैनल पौड़ी फिल्टर में। तो ये सुनहरी सुबह आज की पौड़ी की और हमारी आखिरी सुबह इस पौड़ी में। और देखिए नींबू क्या लगे हुए हैं जमाने में, इन सारे नींबू उसको तोड़ते हैं। और नींबू दिखाई जरा, ये देखिए हमारा डब्बा भरा है नींबूओं से, देख रहे हो आप कितने सारे नींबू हैं। और इससे ज़्यादा नींबू ऊपर लगे, पत्तों से ज़्यादा नींबू हमारे पास। एक्चुअली दोस्तों ये थोड़ा पेड़ एज पर मामा जी ख़राब हो गया, तो इसके सारे नींबू झाड़ रहे हैं हम। एक बार नींबू सारे निकल जाएंगे तो देखते हैं इस पेड़ के साथ क्या करना है। दोस्तों ये नींबू सारे गिरे हुए नीचे, उनको टीप रहे हम। ये ले थपा डब्बा दे, ये रहा ये रहा, इधर तो खराब हो गया है एक नींबू, ये रहा ये रहा। ये दोस्तों देखो अभियान तोड़ रहा है नींबू। अभियान के लिए फोटो एक रूबी की। नींबू गिरे, रूबी ले गई लोटी लेके भाग गई रूबी। कबीर ने दी है रूबी को रोटी, कबीर ने रूबी को रोटी दी है। अबे यही खा ले यार और देंगे। कबू कबू कबू, दोस्तों अभी दिखाते हैं आपको चमत्कार चौमिन, चौमिन दिखाते हैं आपको चौमिन। चौमिन क्या तोड़ रहा हूँ, मिर्ची झोले भर लिए। मूला तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगाया टाइम लैप्स। इस ट्रिप में मैं अपनी शक्ल और बातें ज़्यादा कम कर रहा हूँ क्योंकि नज़ारा ही आपको दिखा रहा हूँ, तो वही देखिए आप। चलो सिर्फ हम सब में से चाची जो नहा धो के तैयार है। पंद्रह भाई साहब आलू के पराठे और चटनी भी पिस रही है मामी, ले नींबू मिर्ची और पुदीना, और मास्टर शेफ का कंपटीशन चल रहा है पराठे चाय के साथ। और इस सिलबट्टे में पीसी जा रही चटनी, वैसे ही मेरा फेवरेट काम है पर अब मामी पीस रही है फटाफट से। ना मामी की स्पेशल चटनी कल बहुत ही टेस्टी हो रही थी। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया चालू और कभी कभी और हमारी चटनी भी हो गई तैयार। गरम चटनी तैयार हो गया और चाची लाई चाय, और अब करते हैं हम ब्रेकफास्ट। हमारा ब्रेकफास्ट ये है, खाते हैं हम दोस्तों और फिर करेंगे निकलने की तैयारी। दोस्तों पीछे है मेरे पेट्रोल पंप और सचिन भरा रहा है अपनी गाड़ी में पेट्रोल और फिर निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमारे रिजॉर्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है, मुमुक्षु, हम यहीं रुके थे।
और ये देखो सो दोस्तों नज़ारा, यहाँ से चारों तरफ बादल छा रखे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, दिखना बंद हो चुका है। और आज हम जा रहे हैं इस शानदार नज़ारे को छोड़ के दिल्ली। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, आप लोगों का मन भी नहीं कर रहा हो कि हम यहाँ से जाएं। आपका मन कर रहा हो हम इसको आपको दिखाते रहें, पर वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, जाना तो पड़ता ही है। तो पर कोई नहीं, आपको फिर से ले चलेंगे, नए व्लॉग बनाएंगे आपके लिए, आपको फिर से ले चलेंगे इन्हीं हसीन वादियों में। तो ये देखो दोस्तों नज़ारा यहाँ का, रेड रिजॉर्ट क्या होता है? रेड रिजॉर्ट तो आपने माखन चोर सुने होंगे, आपको मैं अखरोट चोर दिखाता हूँ, छोटे छोटे देखो दोस्तों ये है मोस, जड़ के साथ है, इसे घर जाके लगाएंगे। चलो हाथ पकड़ो, हाथ पकड़, हाथ पकड़ ठीक है, डर लग रहा है, चलो अब हो जाएगा। किसी का एक माखन चोर हमारा कैंसिल हो गया, वहाँ से अखरोट है, तोड़ अरे पहुँच गया इसका हाथ, इसे हाथ पकड़, तोड़ ले, दोस्तों देखो इसके अंदर से अखरोट निकल गया। तो दोस्तों वहाँ से लाए हैं अखरोट, इसको भी फाड़ के दिखाते हैं इसके अंदर अखरोट निकलेगा। ये देखो, ये देखो दोस्तों इसमें निकला अखरोट, एकदम कड़क, और इसमें जड़ भी है, इसको हम उगा भी सकते हैं, अगर उगाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली क्या पता इससे पेड़ उग जाए। इधर देखो अखरोट, हाय कहाँ से लाए? ये वास मिला है, पिटे तो अभियान, ये क्या है बताओ, अब रोड कैसे निकलता है इसमें से, रोड दिखाओ, चलो फिर चलो 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 बैग में कर दो, ओ डर गया। तो दोस्तों चल रहे हैं हम, दादी का घर छोड़ के जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो भावुक है वो है प्रीति, आंसू आ रहे हैं प्रीति के, शिवानी अंदर, चलो भाई सब बाय बाय कर दो, बाय बाय। तो दोस्तों यहाँ से निकल, बाय करते भाई, तो दोस्तों यहाँ से निकलेंगे, तो दोस्तों चाची को छोड़ेंगे चाची की दुकान पर, फिर निकलेंगे यहाँ से दिल्ली। खिरसू का प्लान हमने कर दिया कैंसिल, बहुत बारिश हो रही है और जाम भी मिल सकता है, क्योंकि आज आखिरी दिन है छुट्टियों का, तो बहुत भीड़ मिलेगी और बस आ गई, हमें हटानी पड़ेगी अपनी कार। भाई होता या वैसे होता, जाना तुम यार, ध्यान जाना तो यार, कैसे आते बढ़िया से एकदम, ले जाना तुम घर, तो नहीं उड़ू ना भारी है, हम तो फिर वीडियो बनाना आता है, हम तुम तो टीवी में दिखाओ आता है, कोई ना कोई देखो तुम तो भला ये ले जानी है घास ले जानी हो।
तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं सतपुली और गाने बज रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गढ़वाली गाने, और दिखाते हैं आपके सतपुली के नज़ारे। दोस्तों ये है सतपुली, और सतपुली से हम सीधा आगे निकलेंगे दुगड्डा की ओर, और दुगड्डा में देखते हैं कुछ खाने पीने का होगा तो रुक के तो कुछ खाते पीते हैं। वह चुन्नाधार भी है, चुन्नाधार में मिलते हैं बर्गर, बर्गर टिक्की बर्गर वो खाएंगे। यस चुन्नाधार की टिक्की बर्गर खाएंगे, हम सोच रहे थे कहाँ कुछ मिले खाने को, तो चुन्नाधार की टिक्की बर्गर खाएंगे दोस्तों, वहीं मिलते। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुँचे हैं दुगड्डा और चुन्नाधार, और चुन्नाधार से हम खाएंगे टिक्की जो हम हमेशा खाते हैं, और फिर टिक्की भुट्टे खा के निकलेंगे यहाँ से आगे दिल्ली की ओर। चलो निकलते हैं बाहर दोस्तों, दोस्तों मिलाते हैं आपको अपने बर्गर वाले भैया से, बर्गर वाले भैया से मिलाते हैं आपको। यस ब्लॉगिंग दोस्तों, चुन्नाधार और ये रहे हमारे बर्गर वाले भैया। हाँ बस आ रहे हैं थोड़ी देर, बताता हूँ। अच्छा, और वहाँ से आ रहा है सचिन। दोस्तों खाते टिक्की बर्गर फिर आगे निकलेंगे। केसरी नंदन ये आया हमारा, केसरी नंदन। कोई बात नहीं, पानी तो साफ है, जल्दी खाओगे मम्मा दे दीजिए। ऐसे नहीं करना बेटा, मम्मा खाना दिन में खाना है ना, अभी कैसा हो रहा है बेटा, अभी कैसा हो रहा है, खा लेना। बाबू कैसा हो रहा है, अभी कैसा हो रहा है, अभी कैसा हो रहा है, अभी कैसा हो रहा है, बोले यार अभी तो बोल रहा था, अभी बोलते चाचू को बर्गर कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, दूसरे बताएगा दूसरे बर्गर कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है बर्गर, अभी ऐसा करते जोर से बोलो, खाने की आवाज निकालो, अच्छा है। तो दोस्तों बर्गर वगैरह खाने के बाद यहाँ चल रही है भुट्टे की अगड़ाई, पार्ट टाइम जॉब लिया है अभी इसी से कमाई है उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन नहीं खा पाओगे, बहुत टाइट होते हैं, बहुत टाइट होते हैं, उसके लिए बहुत मजबूत दांत चाहिए, बिग वाले दांत। तभी तो नहीं खाए जा रहे, चलो मैं ना भी अभी तो नहीं खाना, गम 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 आप आएगा मजा। दोस्तों हम यहाँ निकले हैं दुगड्डा से, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक है, जाम लग रहा है, मुझे दिख रहा है, दिखाता हूँ आपको मैं। One eternity later. लगता है दोस्तों शायद जाम खुल गया है, पर देखते हैं जाम लगा क्यों था, एक टेम्पो ही अड़ा हुआ लग रहा था, बाकी तो अब स्मूथ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है आगे शायद थोड़ा सा लैंडस्लाइड है, इस वजह से शायद थोड़ा जाम है, तो आगे थोड़ा सा लैंडस्लाइड है इसीलिए अभी यहाँ का जाम था, अब उधर गाड़ियाँ सारी रुक गई हैं, वहाँ वेट करेंगी, जब हम यहाँ सारे निकल जाएंगे तब वहाँ से गाड़ी चालू होंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी रोड टूटी हुई है, दिखाते हैं आपको, यहाँ से हुआ है लैंड स्लाइड और यहाँ पे ये टूट गया है रोड पूरी, इसलिए यहाँ पे जाम लग रहा है। हम निकल गए हैं अब यहाँ से, लगेगा जाम क्योंकि अब ये वेट करेंगे ये वाले, ये देखो अभी दो ही गाड़ी आई है, धीरे धीरे तीन हो गई है, अब ये वेट करेंगे यहाँ पर। अब वो क्या गा रहा है,
बस माँ जी चूर हो गई रे तेरो लहंगा इसमें बटन नेट नहीं है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचे हैं अभी कोटद्वार और यहां से कोटद्वार से लेंगे मिठाई थोड़ा घर के लिए और थोड़ी सी दालें मम्मी ने मंगाई है और लड़का सो रहा है अगेन। तो यहां से लेंगे थोड़ी सी दालें कोटद्वार पहुँच कर फिर निकलेंगे यहां से दिल्ली की ओर। ऑलमोस्ट मुझे लगता है दिल्ली पहुँचने में हमें लगेंगे 5 घंटे। तो अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है, समय देखते हैं अभी, समय हो रहा है अभी 3:13 हैं, 3:13 हो गए। तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ से पहुँचते पहुँचते 8 बज जाएंगे रात को। कोई बात नहीं, दैट्स गुड, आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, और ये जा रहे हैं सारे के सारे जा रहे। तो दोस्तों हम लेने आए यहाँ पे बाल मिठाई लेंगे, है ना बाल मिठाई। तो दोस्तों हमारा लंच आ गया है, तो सबने जो मंगाया था ये मंगाया है डोसा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, इसमें चटनियाँ 3 तरीके की इस बार दी इन्होंने, और इधर है छोले भटूरे, क्या टेम्पटिंग लग रहे हैं एकदम, और एक छोले भटूरे यहाँ पे, और डोसा भी बहुत टेम्पटिंग है वो भी ट्राई कलर के साथ, और एक चंट बच्चा बैठा है बीचों बीच में, ये चंट बच्चा बैठा है यहाँ पे, काबू चंट बच्चा बैठा है यहाँ पे। तो पड़ती है भयंकर गर्मी हो रही है नीचे कोटद्वार में, ह्यूमिड बहुत हो रहा है, फटाफट गाड़ी में बैठते हो निकलते हैं, गाले में ले लिया, जट्ठा भी ले लिया, चलते हैं, वो सब गाड़ी में पहुँच चुके हैं। दोस्तों फाइनली हमने पहाड़ छोड़ दिए हैं और कोटद्वार ही बस 2 मिनट में छोड़ने वाले हैं। पीछे वालों को बहुत खुद लग रही है पहाड़ों की, लग तो हमें भी रही है, जो मौसम वहाँ था वो मौसम यहाँ नहीं है, बहुत ही ह्यूमिड हो रहा है यहाँ पे, और ऊपर इतना बढ़िया मौसम हो रहा है दोस्तों, ये बढ़िया चीज़ और बढ़िया नज़ारे छोड़ के हम वापस जा रहे हैं अपने उसी नोएडा उसी दिल्ली में। तो दोस्तों चलते हैं, वाइल्ड ड्राइविंग आई विल नॉट ब्लॉग, अभी मिलते हैं और चलते हैं दोस्तों।